लाट आ गई आपके पास, कमाल हो गया। पाकिस्तान में भी ताइवान से लाट आ चुकी है, जापानी एसी ताइवान से भी लाट आ गई और जापानी की भी लाट आ चुकी है। हमने इंपोर्ट किया बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, सिर्फ एक सीजन यूज हुआ होता है। एक सीजन यूज हुआ ताइवान से इंपोर्ट जी, बिल्कुल जो है इसकी फ्रेश कंडीशन होती है जिस तरह न्यू की होती है। और ये जो है 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं, 110 वोल्ट पे चलेगा ये। ये 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं और बिजली भी बिल्कुल मुनासिब सी लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो है लेते हैं तकरीबन 1.5 से 2 एम्पेयर और रनिंग में जो है तकरीबन 1 एम्पेयर 1.25 एम्पेयर जो है ये बिजली लेते हैं। ये देख इसके रूम में जो है ना सही चिल माहौल बना देता है। और इसमें हमारे पास बड़ा साइज भी है इसे, और ये 110 वोल्ट पे चलता है, इसके साथ सप्लाई भी लगेगी, वो आपको मैं सप्लाई भी दिखाता हूँ। तो इस उसके अलावा ये हमारे पास बड़ा साइज भी है, ये बड़ा साइज मिल जाएगा। ये 1.25 टन का है, ये स्टार्टिंग में इसका जो एम्पेयर है ना ये स्टार्टिंग में ले रहा है तकरीबन 3 एम्पेयर और रनिंग में जो है ये 2 एम्पेयर के ऊपर चलता है। तो इससे कम बिजली ये वाला जो एसी है इससे कम बिजली कोई एसी नहीं ले सकता। कोई वो ही आप बता रहे हैं कि 1.5 एम्पेयर पे चलने वाला एसी भी पाकिस्तान में आ गया था यहाँ से। ये समझ लेंगे आप पंखा ही चला रहे हैं, पंखे जितनी जो है ये बिजली लेगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खिची। आज मैं एसी शॉप पे पहुंच चुका हूं जहां आपको ताइवान से इंपोर्ट किए हुए एसी जापानी चाइनी पाकिस्तानी ताइवान से इंपोर्ट किए हुए एसी पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी लाट पाकिस्तान में आ गई, अभी हम 2 मिनट में आपको इनका रिव्यू कराते हैं। मालूमात के लिए चलते हैं शॉप कनर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम, माशाल्लाह ताइवान से लाट आ गई आपके पास, कमाल हो गया। पाकिस्तान में भी ताइवान से लाट आ चुकी है, जापानी एसी ताइवान से भी लाट आ गई और जापानी की भी लाट आ चुकी है। ये है हमारे जाहिद भाई, सैमस इलेक्ट्रॉनिक का नाम कभी ना भूलना, तो इनसे बात करते हैं। तो नदीम भाई ये जो है ना ये सबसे पहले देखें, ये 1/2 टन का एसी है, ठीक है। और ये हमने इंपोर्ट किया बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, ये सिर्फ एक सीजन यूज हुआ होता है। एक सीजन यूज हुआ ताइवान से इंपोर्ट जी, बिल्कुल जो है इसकी फ्रेश कंडीशन होती है जिस तरह न्यू की होती है। और ये जो है 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं, 110 वोल्ट पे चलेगा ये 110 वोल्ट के ऊपर चलते हैं और बिजली भी बिल्कुल मुनासिब सी लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो है लेते हैं तकरीबन 1.5 से 2 एम्पेयर और रनिंग में जो है तकरीबन 1 एम्पेयर 1.25 एम्पेयर जो है ये बिजली लेते हैं। ये देखें ताइवान से इंपोर्ट किया हुआ स्पेशल एसी आ गया है, 2 एम्पेयर से चलने वाला और रनिंग में 1 एम्पेयर पे चलेगा। ये 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक से आपको मिलेगा, पूरे पाकिस्तान में चैलेंज है। इनके पास वो चीज होती है जो किसी के पास नहीं होती, पूरे लाहौर पाकिस्तान में आपको कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक से ऐसी चीज आपको मिलेगी जहां हमने पहले कहीं देखी नहीं होगी। और अगर इसके रूम साइज की बात की जाए तो ये 10x10 के रूम में जो है ना सही चिल माहौल बना देता है। और इसमें हमारे पास बड़ा साइज भी है इसे, और ये 110 वोल्ट पे चलता है, इसके साथ सप्लाई भी लगेगी, वो आपको मैं सप्लाई भी दिखाता हूँ। तो उसके अलावा ये हमारे पास बड़ा साइज भी है, ये बड़ा साइज मिल जाएगा। ये 1.5 टन का है, ये स्टार्टिंग में इसका जो एम्पेयर है ना ये स्टार्टिंग में ले रहा है तकरीबन 3 एम्पेयर और रनिंग में जो है ये 2 एम्पेयर के ऊपर चलता है। 3 एम्पेयर सिर्फ 2.5 टन का, ये 1.5 टन का, ये 12x12 12x14 के रूम में बिल्कुल जो है चिल माहौल बना देता है। बहुत अच्छी चीज है और बिजली भी बहुत मुनासिब लेता है और कूलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। नाज़िम ताइवान से स्पेशल लाट आ चुकी है, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि ताइवान से ये लाट इम्पोर्ट की हुई जापानी एसी और ताइवान की लाट आ गई है, सिर्फ और सिर्फ 7 साल इलेक्ट्रॉनिक। विजिट कीजिए, आपका इंतजार कर रहे हैं लोग, जल्द से जल्द आप विजिट कीजिए ताकि आपको भी एसी परफेक्ट हो सके, मिल सके। ये ना हो कि आपके दिल में ये ख्वाब रह जाए कि हमने ये ताइवान से इंपोर्ट किया हुआ एसी जो पाकिस्तान में पहली दफा आया था वो हम नहीं ले सकते। तो इसमें नदीम भाई 110 वोल्ट पे चलते हैं, तो ये सप्लाई है, इसके साथ ये सप्लाई लगेगी और ये सप्लाई जो है ये 220 को 110 पे कन्वर्ट करती है जी। ये आपको साथ में लेनी पड़ेगी, और अगर ये आप बाहर से भी लेना चाहें तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। अगर हमसे लेंगे तो 5000 रुपए की ये सप्लाई है, और एसी के रेट में आपको बता देता हूँ, अगर 1/2 टन का एसी लेते हैं जी तो इसकी कंडीशन देख ले बिल्कुल न्यू की तरह, न्यू की तरह। अगर 1/2 टन का आप लेते हैं तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का। 30,000 का ताइवान से इंपोर्ट किया हुआ, यार जाहिद भाई इतनी तो आपकी मेहनत लग जाती है, फिर भी आप 30,000 का इसका एक सीजन चला हुआ एसी आप दे रहे हैं। 50,000 से ऊपर रेट चल रहा है इसी एसी का, ये जो हम जो इस वक्त दे रहे हैं ना आपको 30,000 रुपए का। नाज़िम ये ओनली 30,000 रुपए का आपको ताइवान से स्पेशल इम्पोर्ट किया हुआ 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक आपको दे रहा है, और प्रॉपर इन्वर्टर में, और प्रॉपर इन्वर्टर के साथ। अगर आप इसमें लेते हैं 1.5 टन का तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ
आपको 35,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ 35,000 का ताइवान से इंपोर्ट किया हुआ, और दो एम्पीयर पे चलने वाला, कम से कम बिजली लेने वाला, दो एम्पीयर पे चलने वाला एसी और इन्वर्टर एसी है, ये इसे कहा जाता है ताइवान से स्पेशल इंपोर्ट की। मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ताइवान से इंपोर्ट किया हुआ एसी भी हमारे पास आ चुका है, सहमत इलेक्ट्रॉनिक से आपको मिलेगा, और इससे कम बिजली ये वाला जो एसी है इससे कम बिजली कोई एसी नहीं ले सकता। कोई वो ही आप बता रहे हैं कि 1.5 एम्पीयर पे चलने वाला एसी भी पाकिस्तान में आ गया था यहाँ से, ये समझ लेंगे आप पंखा ही चला रहे हैं, पंखे जितनी जो है ये बिजली लेगा। अच्छा जाद भाई, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको एक दफा सहमसा इलेक्ट्रॉनिक का विजिट करना होगा, नाजिन मेरी आप बात मानेंगे, इंशाल्लाह आपको वो चीज मिलेगी जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी मिलेगी। आप एक दफा मेरी बात, भाई की बात मान के सहमसा इलेक्ट्रॉनिक के विजिट कीजिएगा, ताइवान से इंपोर्ट की हुई ऐसी जापानी ऐसी आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, नाजिन देखते रहिए खींची ब्लॉग, अल्लाह हाफिज़।